मैं फरहान इंडियन मीडिया बुक से। आज हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी हैं जो कि लंच मुक्ता से ऑर्गेनाइजेशन से हैं और वहाँ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। नरेंद्र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और जो आज का डिस्कशन है वो जितने भी पोंजी स्कीम बैंगलोर में थे उसके ऊपर और उस उन्होंने क्या किया और प्लस विक्टिम के लिए लोग क्या कर रहे हैं उस पर रोशनी डालेंगे। तो नरेंद्र भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो PIL फाइल किया है वो टोटल 9 कंपनी पे इंक्लूडिंग IMA ठीक है। तो ये जो PIL आपने फाइल किया है ये किस महीने में किया है? ये जुलाई, एक महीना भी नहीं हुआ, जुलाई 26 तारीख को। लेकिन मैं IMA पे बाद में आऊंगा, उसके पहले जो 8 कंपनियां हैं उसके बारे में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग केस फाइल किए हैं दूसरे कंपनी में, कितने कंपनियों पे दूसरे लोगों ने केस फाइल किए? सी पोंजी कंपनी में दो तीन टाइप के केस होते हैं। एक केस ये है कि पुलिस वाले फाइल करते हैं जिन्होंने लूटा है जी। दूसरा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक केस फाइल होता है कि जो लूट का माल कब्जे में आया है, जिसको सीजर्स बोलते हैं, सीज करके उसको बेच करके जो पैसा बनता है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये 2 केस होते हैं। अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी का लूट का माल डिस्ट्रीब्यूशन का केस चालू है, वो है एम्बिडेंट का। अच्छा, तीन चार महीना हो गया है, बाकी किसी का भी वो केस नहीं चालू है। बाकी कंपनियों में भी केस जो चल रहा है वो FIR के ऊपर चल रहा है, वो एक साल से कोई 10 महीना, कोई 12 महीना, कोई 14 महीना ऐसे चल रहा है। सिर्फ 3 कंपनी का या 2 कंपनी का ठीक ठाक है, बाकी सारी कंपनी का इतने स्लो चल रहा है कि मुझे नहीं लगता कि लोगों को कुछ पैसा मिलेगा। तो क्या रीजन है? बाकी अभी IMA पे नहीं आ रहा, बाकी क्या क्या प्रॉब्लम था? एम्बिडेंट का क्या हुआ था कि जहां भी लोग बढ़ चढ़ के सामने आते हैं, सड़क पे उतरते हैं या कुछ करते हैं, वहां सरकार हरकत में आ जाती है और सरकार कुछ करने लगती है। सरकार का मतलब पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कोर्ट हो गया, ये सब जल्दी जल्दी डेट्स देते हैं। और जहां जो मुवक्किल है, जो लूजर है, जिसने पैसा गंवाया है, वो घर बैठ करके अल्लाह मियाँ को दुआ देता है या मतलब उसके ऊपर भरोसे रहता है, और या कुछ करना नहीं चाहता, घर में रहना चाहता है, खाली कोसता है, वहाँ कोई कुछ नहीं। तो मैं आप ये कहना चाहते हैं कि अगर विक्टिम एक्टिव नहीं रहा तो गवर्नमेंट भी सो जाती। देखिए, अगर आपका पैसा कोई लेके छीन के भाग रहा है और आप चोर चोर भी नहीं चिल्लाएंगे तो कोई क्यों पकड़ेगा? और अगर आप भी नहीं भागेंगे तो कौन भागेगा? आप भागे तो 4 आदमी और जुटेंगे। सिर्फ सिंपल कहानी है, एकदम कॉमन सेंस की कहानी है कि अगर आपका पैसा कोई किसी ने चुरा लिया है, आप उसके सामने एक साल से गिड़गिड़ा रहे हैं, वो दे नहीं रहा है, तो फिर भी आपको उसके ऊपर भरोसा क्यों है? जैसे एम्बिडेंट वाले फरीद पे भरोसा किए हैं, बहुत लोग मंसूर भाई आए हैं करके बहुत खुश हो गए थे। KPID एक्ट के तहत जितना भी पैसा जिसका भी है सीज होके गवर्नमेंट के खजाने में चला जाता है, फिर जब कोर्ट डिसाइड करता है तब आपको मिलता है। तो आपको जब आपका कोई साइकिल चुरा ले जाता है और आप पुलिस कंप्लेंट करते हो, लेकिन आपने घर बेच के पैसा लगा दिया, फिर भी आप उसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो चोर के सामने, तो ये तो जो होना था वही होगा। वही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब तक विक्टिम एकजुट होकर के साथ में सड़क पे नहीं आता या कुछ नहीं करता, तब तक उसको पैसा नहीं मिलता। तो प्रेशर बिल्डअप हमेशा होते रहना चाहिए जब तक केस खत्म नहीं होता। जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है तब तक केस खत्म भी हो जाए, लेकिन जब तक पैसा, समझ लो एविडेंट ने करीबन 3 महीने के बाद बोल दिया ठीक है 50% सबको वापस कर दो, लेकिन जब तक आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पैसा नहीं मिलता है तब तक आपको लड़ना है, एक्टिव रहना ही पड़ेगा। पेपर पे आपके पास रहेगा ऑर्डर, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेक नहीं, बोलेगा आज नहीं कल। तो जब तक आपका सामान जो चुराया हुआ है आपके पास नहीं आता, तब तक आपको हाथ पांव मारना जरूरी है। अच्छा, अब ये बताइए कि अभी तक जितने भी केस हुए हैं, जहाँ, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग इस काम में काफ़ी एक्टिव हैं वर्ल्ड वाइड, मैं पूछ रहा हूँ और इंडिया में पूछ रहा हूँ कि ऐसे आपको कोई नॉलेज में है कि पोंजी स्कीम में विक्टिम को पैसा मिलते आपने देखा है कभी? देखिए, दूसरे देशों में मिल जाता है क्योंकि वहाँ का कानून का इम्प्लीमेंटेशन अलग है, जैसे अमेरिका में है वहाँ कहीं मिल जाता है, 2-3 साल में मिल जाता है जी। हमारे देश में अभी तक तो खाली एक ही कंपनी का नाम आया है जो हमको पता है मिल रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुछ लोगों को जिन्होंने बिल्डिंग में, बिल्डर्स में पैसा डाला था वो आ रहा है, लेकिन पोंजी कंपनी में पैसा डाला था वो अभी तक विनी विंक का एक छोड़ के और किसी को नहीं, जो 30 साल पुरानी कहानी है। तो मतलब 30 साल के बाद उसको कुछ पैसा मिलना शुरू मिला, और जो पैसा आ रहा है 30 साल के पहले आपने 1000
का वैल्यू जो था आज 1000 का जो वैल्यू है उसका, इसका मतलब उसको 10% भी नहीं, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नहीं मैं इसलिए, और सहारा का केस 15 साल से चल रहा है, शारदा का केस 7 साल हो गया, और ये दोनों अभी बस चल ही रहे हैं, चल ही रहे। लेकिन क्या होता है कि विक्टिम भी थक जाता है, और ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट का जो वर्किंग कंडीशन है इंडियन गवर्नमेंट का, वो आज आओ कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल करके उनको और थका देता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि विक्टिम अकेला अकेला जाना चाहता है। अगर आप 100 लोग जाओ तो कोई भी डिपार्टमेंट से काम हो जाता है, जैसे ही आप 4 आदमी हो तो बोलते उसको बैठे रहने को बोलो, फिर बोलते नहीं कल आना। तो जब तक आप इकट्ठे ज्यादा मात्रा में नहीं आओगे तब तक नहीं होगा। जैसे हमारे ही ले लो, हम लोग 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, करीबन 9 महीने होते हुए, जहां हम 100-150 लोग पहुंच जाते हैं वहां हमारी सुनाई हो जाती है, जल्दी जल्दी डेट्स मिलते हैं, जल्दी जल्दी काम होता है। लेकिन जहां हम 25 आदमी हुए तहां वो 1.5 महीने के बाद का डेट आ जाता है। जी, तो मैंने इस चीज को इसलिए पूछा कि लोगों को समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। एक मिनट, तो लोगों को करना क्या है ये मैं, कई लोग बहुत सारे नए नए विक्टिम्स हमको फोन करते हैं, दोनों से एम्बिडेंट और IMA सबको। जब IMA का केस चालू हुआ उसके बाद बहुत लोग सामने आए हैं, अरे IMA का हो गया मेरा भी डूब गया। नहीं तो अब उनको उम्मीद थी कि चूंकि IMA चल रहा है तो एम्बिडेंट का भी आ जाएगा, मुजारिबा का भी आ जाएगा, आला का भी आ जाएगा। लेकिन जब एम्बिडेंट गिरा तो अब उनकी उम्मीद टूट गई है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं जो हमारे सारे विक्टिम्स को मैं बताते रहता रहा हूँ, कि जब आपने अगर 2 लाख रुपया कमा करके गंवाया है, तो 2 लाख रुपया कमाने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितना वक्त आपने दिया, लोग सवेरे सवेरे ऑफिस जाओ, बस में एक घंटा धक्का मुक्की खाओ, वहाँ 8 घंटा काम करो, लंच बाहर करो, लोगों के ताने सुनो, बहुत सारे प्रेशर हैं, फिर 1 घंटा वापस आओ, वो जो आप 10-12 घंटा जो बिताए हैं, 10-11 घंटा, वो कितना दिन बिताने के बाद आपको 2 लाख रुपया मिलता है, वो करीबन किसी को 3 महीना, किसी को 1 साल, किसी को जैसे जैसे है। तो उसका 10% आप समय निकाल के रख दीजिए, 100% आपको पैसा मिलेगा, मतलब बिना फॉलो, बिना प्रेशर, नहीं, लेकिन उतना, उतना और सबको, ये नहीं कि 4 आदमी 10% काम कर रहे हैं बाकी सब घर में बैठे हैं, नहीं नहीं, सब लोग अगर अपना जितना पैसा उनको 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाने में लगता है, वक्त लगता है, अगर उसका 5 या 10% उन्होंने लगा दिया तो उनका पैसा जरूर मिलेगा, और अगर नहीं लगाए तो फिर वही 30 साल चले। नहीं, आपने कहा कि पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन ये भी हम लोग क्लियर कर दें कि 100% तो नहीं मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना पैसा आता है उसके हिसाब से, जो अभी की सूरत हाल नजर आ रही है वो कन्वर्ट हो रहा है करीब करीब 35-40%। देखिए, दो इश्यूज है, कन्वर्ट हो रहा है 35-40% IMA केस में। हाँ, IMA केस। IMA क्या हो रहा है कि करीबन दो अभी तक 65,000 लोगों ने 1410 करोड़ को क्लेम किया है, और 35,000 आएंगे तो 2,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इन्होंने 700 करोड़ सीज किया है, और 200-300 करोड़ इनकम टैक्स ये वो यहाँ वहाँ बोल रहे हैं, 900 करोड़ आ गया। तो 2,000 में से 1,000 करोड़ आया तो आपको 50% मिल सकता है। इसमें कुछ इधर उधर लीकेज हुआ, कहा गया नहीं 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 इस पे केस चलेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी थी, गलत बोला गया, तो 700-800 करोड़ तक के मिलेगा, एक तिहाई पड़ता है, 35-40% मिलेगा, 35-40 ये हो गया IMA का जी। लेकिन एक दो कंपनियां हैं जहां लोगों के पास उनका खुद का पैसा है, जैसे अजमेरा हो गया, अजमेरा के पास प्रॉपर्टी है करीबन 40-50 करोड़ की। अच्छा। उनका घोटाला है करीबन 30 करोड़ का। हाँ। तो अगर एक्ट में, दोनों एक्ट में, बर्ड्स और KPIDM एक्ट में है कि वो जो प्रमोटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी लेकर के पब्लिक को दिया जा सके, तो अजमेरा के केस में 80-90% तक मिल सकता है, एम्बिडेंट के केस में 60% तक मिल सकता है। तो अपना अपना अलग अलग है, तो लेकिन पूरा पैसा कहीं नहीं मिलेगा। बात यह है कि ये इसके जो विक्टिम है बाकी कंपनी के सब सो चुके हैं, अभी इनको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर विक्टिम को पैसा चाहिए तो उनको पुलिस कंप्लेंट भी करना है, कोर्ट में भी आना है, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के दफ्तर में भी जाना पड़ेगा, तभी आपको नहीं मिलना। तो क्योंकि देखिए बात यह है कि जो लॉयर हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं, तो आपको मालूम है कि कितना पेपर प्रिपेयर करके वो आते हैं। तो अब बात है कि आपको वो भी एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने तरफ से वो सारी चीज उनको देनी पड़ेगी। देखिए, दो इसमें दो एंगल है, एक तो KPIDM एक्ट है जो 2004 या 2005 से चल रहा है, और उस एक्ट के तहत बहुत ज्यादा कंपनियां
नहीं आई है, पोंजी उतनी कंपनी नहीं आई है, एक ड्रीम्स है या ऐसे दो तीन चार होंगे, लेकिन उतना वो नहीं है, उतना फेमस नहीं हुआ जितना IMA और एम्बिडेंट हुआ। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई और लॉयर लोग भी ज्यादा नहीं पढ़े। अब कौन पढ़ेगा, अगर दो ही कंपनी है साल में आ रही है तो उसके ऊपर कौन अपना वक्त कमाएगा। लेकिन जो बर्ड्स एक्ट है वो 6 महीने पुराना है, तो महकमे में जो वकीलों का जो महकमा है वहाँ इतने सारे केसेस नहीं है कि इतने सारे लोग उसके बारे में जानकारी रखें, तो वो लोग भी सीख ही रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वो लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। हाँ। अब मेरे अगर मेरा सारा दिन मेरे पास 10 केस आएगा तो मैं कितना प्रिपेयर करूंगा। हाँ। क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो डेफिनेटली काम भी उसी स्टाइल गवर्नमेंट के स्टाइल में होता है। उतना तो बैठ के सारा चीज नहीं देखेगा कि हाँ चलो ये पॉइंट ऐड करूं इससे विक्टिम को फायदा, ये लॉजिक में तो काम नहीं होता होगा ज्यादातर। अगर आप सच में जो मैंने अभी बीच में कुछ दिन से देख ही रहा हूँ, हमारे जो चीफ जस्टिस है काफी एक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा जो तहकीकात जो खोजबीन होती है वो जज कर रहे हैं। लायर अगली तारीख के चक्कर में रहते हैं, अगली तारीख हो जाए, एक केस हो जाए, फिर देखते हैं तो सामने वाला जिसका पैसा गया है वो जो बोलेगा सो बोलेगा, या अगर वो कुछ हमको देगा तो हम करेंगे। उसमें भी इधर उधर के होते हैं, जो चोर लोग होते हैं वो इनको एडजस्ट करने के चक्कर में रहते हैं, और ये लोग भी चोर लोगों की तरफ रहते हैं क्योंकि पैसा वहां से आता है। ये भी होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये होता है। और कोई गारंटी नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जल्द से जल्द काम कराए, क्योंकि उसको दिया जाता है पैसा कि तुम धीरे से काम करो। और अभी जो केस 15 साल चल रहा है, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और मेरा केस 15 साल चल रहा है तो धिक्कार है मेरे ऊपर, क्यों मैं 15 साल तो अब ये जब इस टाइप के काम कार्रवाई कोर्ट में चलती है तो एज ए लंचा मुक्ता ऑर्गेनाइजेशन आप लोग वहां पे क्या करते हैं? देखिए, एक्चुअली कार्रवाई करने का एक प्रोसीजर है, हम वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले समझ लो आपका पैसा किसी ने ले लिया, मंसूर भाई ने ले लिया, IMA में चला गया पैसा, तो पहले आप क्या करेंगे, आप एक पुलिस कंप्लेंट करेंगे। अगर वो पहले FIR दर्ज हुआ होगा तो आपको उसमें शामिल करेगा, तो नया FIR दर्ज करेगा, वो अपनी तहकीकात करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देगा कि इसका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाओ, क्योंकि KPIDA एक्ट का तहत में जाता है। वो करने में किसी को 3 महीने लगते हैं, किसी को 15 महीने लग रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो ऊपर भेजेगा कि हमको ऐसे ऐसे आया है, फलानी कंपनी ने इतने लोगों से पैसा लूटा है, इसके ऊपर जो भी करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कीजिए, जिससे सब लोग अपना क्लेम दें कि मेरा इतना लूटा, मेरा इतना, तो फाइनेंशियल एंगल आता है। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पेपर में ऐड देता है कि जिस किसी भाई का पैसा गया हो हमको आके बताओ, जिससे हम इनका सीजर में से आपको भी दिला सकें। तो और फिर ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट फैसला सुनाता है, बहुत कुछ करने के बाद फिर लोगों को पैसा मिलता है, ये प्रोसीजर है। तो हमको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना होता है या CCB ऑफिस जाना होता है, अभी तो हमको CBI ऑफिस भी जाना पड़ेगा कि भाई क्या आप लोग क्या कर रहे हैं हमको थोड़ा बताइए। और कई चीजें केस में होती हैं कि हमको नहीं बताते, तो हमको बाहर से जो पता चला तो हम उनको प्रेशर करते हैं कि सर आप जल्द से जल्द अपना काम खत्म कीजिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेटर लिखिए, जिससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जल्दी आ सके, फिर आपने अपनी तहकीकात चालू कीजिए और सीजर्स कीजिए, और जो भी सीजर होता रहेगा इनको देते जाइए। फिर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, सर उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कब कर रहे हो? वो बोलता नहीं, वो MS बिल्डिंग में फलाने अफसर, उनसे जाके मिलो। फिर वहां हम लोग 50-100 लोग पहुंच जाते हैं, जैसे इंसार्ज के लोग थे। तो बेसिकली आप लोग हेडमास्टर का काम करते हैं। हम लोग पॉलिटिको, फिर से बता रहा हूं, वी आर फाइटिंग अ पॉलिटिको लीगल बैटल। लंचा मुक्ता कर्नाटका इज फाइटिंग अ पॉलिटिको लीगल बैटल फॉर द विक्टिम्स ऑफ पोंजी कंपनीज। तो जहां काम स्लो होता है, नहीं चलता, वहां आपका प्रेजेंस पॉलिटिको लीगल, जहां हमको गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे पॉलिटिकल प्रेशर डालना पड़ता है, चाहे हम हड़ताल कर रहे हैं या 100 लोगों को लेके पहुंच रहे हैं या हम फेसबुक पे दे रहे हैं, जो भी है पॉलिटिकल, टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, काम जल्दी हो जाए। और लीगल इसलिए कि एक्चुअली काम लीगली होगा, लेकिन चूंकि लीगल इज टोटली डिपेंड ऑन इनपुट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अनलेस एंड अंटिल वी मेक द गवर्नमेंट ऑफिशियल को जल्द से जल्द काम नहीं कराएंगे तो केस धीरे धीरे चलेगा जी। अच्छा, यहाँ ये भी आप लोग करते हैं क्या कि मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट का लॉयर है और वो वहाँ कुछ फीड उसको ठीक से नहीं मिला या इसने स्टडी नहीं किया, तो आप लोग भी कुछ पेपर रेडी करके उनको देते हैं? हम लोग क्या करते हैं, अभी तक कोशिश यही कर रहे हैं कि देयर इज एन ऑप्शन इन KPIDA एक्ट, कैन यू कैन असिस्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अच्छा, असिस्ट मतलब आप पब्लिक ऑर्डर प्रोसिक्यूटर को मदद कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के लॉयर हैं इनपुट से उनको मदद कर सकते हैं, जज जिससे भी जी। और कभी कभी जज साहब मौका देते हैं हम लोग को बात करने का। अच्छा, हमको मतलब लॉयर को, हमारे लॉयर को बात करने का। तो हमारा पूरे केस को जल्दी करने का एक ही तरीका है कि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करने के
असिस्ट करें और उसी बहाने जज साहब को बताएं कि यहाँ 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 ये होना है, तो हम अपनी पैरवी जो विक्टिम्स के लिए कर रहे हैं जज साहब के सामने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अगला डेट मांगता है तो हम लोग बोल सकते हैं सर थोड़ा जल्दी डेट दीजिए, जिससे हम ये पुलिस वालों को सिर्फ इतना दिन लगेगा ये काम करने में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतना ही दिन लगेगा काम करने में, तो वो पैरवी हम लोग उस रास्ते से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो परसों हियरिंग हुआ IMA का, उसमें ये आया कि बट के बारे में सोचेंगे जज साहब, ये शायद अभी उन्होंने मना तो पूरी तौर पर नहीं किया है लेकिन एक थॉट प्रोसेस डाल दिया है, तो अब मुझको ये बताइए क्योंकि आपने स्टडी किया है, जो मेन दो तीन पॉइंट हैं कि KPDI एक्ट और बर्ड्स के अंदर विक्टिम को फ़ायदा और नुकसान क्या है। देखिए मैं काफ़ी केसेस स्टडी करता हूँ, ये मेरी PIL की फाइल है, इसमें काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बहुत सारे लेटर लिखे हैं गवर्नमेंट ऑफिसर को पहले ही कि ये कीजिए वो कीजिए, ये डिले है वो डिले है, फिर जब उन्होंने नहीं किया तो हमने PIL फाइल किया है। ये तो हाई कोर्ट का मसला है। ठीक है। ऐसे हमारे पास तीन चार केस और हैं, एक तो एम्बिडेंट का केस चल रहा है, एक अजमेरा का चल रहा है, इंजाज का चल रहा है और IMA का भी चल रहा है। IMA का ठीक ठाक चल रहा है, उसमें हम लोग नहीं ज़्यादा हैं लेकिन इसमें है। वो क्या होता है कि जब आप कंप्लेंट करते हैं तो वो पुलिस वाले जो कंप्लेंट लेते हैं आपसे, वो KPID एक्ट का लेते हैं कि 420 में लेते हैं कि वो PCMC में लेते हैं, ये उनके उसके ऊपर डिपेंड होता है। और कभी कभी आप भी नहीं जानते हैं KPID एक्ट, मेरा पैसा चला गया, अब किस सेक्शन में वो आएगा आपको पता नहीं है, आपको पैसे से मतलब है। तो हो क्या रहा है कोर्ट में कि एक आदमी के ऊपर मुकदमा KPID एक्ट के तहत भी चलता है, PCMC एक्ट, मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत भी चलता है, चिटफंड के एक्ट के भी चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग PLMLA एक्ट के तहत भी चलता है और CRPC भी चलता है, 420 फलाना ढमाका। तो ये चारों एक्ट के तहत जिस जिस एक्ट को में उसने वायलेशन किया है उसके ऊपर चलता है। अभी रिसेंटली बड्स एक्ट आया है, एक करीबन 21 फरवरी से, उसमें पॉन्जी कंपनी के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया कि इसमें लोगों को जो नुकसान होता है उसका फ़ायदा उसको कैसे करें। तो बर्ड्स एक्ट में जो बनाया गया है 6 महीने में, उसमें एक तो जल्दी फास्ट करने के लिए कहा गया, ये सब किया गया है, तो वो ये सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो उसमें कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर जाएगा, मतलब इट विल बी मोर प्रायोरिटाइज देन सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेक्शन नंबर 35 सेज कि स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट भी चलेगा, मतलब दोनों एट ए टाइम चल सकते। तो जब आप PCMC चला रहे हैं, जब आप PMLA चला रहे हैं, जब आप KPID चला रहे हैं, तो आप बर्ड्स भी चला सकते हैं। हाँ, तो मतलब आप लोग तो दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ले लीजिए, लेकिन यहाँ ठीक है, आप रिक्वेस्ट किए, मान लीजिए वो ले लिए, हाँ, तो आप मेरे को ये बताइए कि उसके लेने से विक्टिम को क्या फायदा। इसमें देखिए, हमने वो हाई कोर्ट के सामने जाने के पहले नए एक्ट पे काफी रिसर्च किया हूँ, करीबन एक पेज है जो पूरा एक्ट है, पूरा एक्ट करीबन 25-30 पेज का होता है, 20 पेज का है, उसके ऊपर एक पेजर बनाया था कि क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ हम लोगों ने बनाया है ये कि दोनों की सिमिलरिटी क्या है, क्योंकि दोनों एक्ट KPID और बर्ड्स एक्ट जो है वो एक ही काम करते हैं, दोनों पॉन्जी स्कीम के लिए बनाए, KPID भी करीब करीब पॉन्जी स्कीम के लिए बनाया है, तो उसमें काफ़ी से वो होता है जैसे गवर्नमेंट अपॉइंट करता है कोर्ट, गवर्नमेंट कोर्ट अपॉइंट करता है, PP लड़ता है और दोनों को पावर दिए गए हैं, और दूसरे केसेस जो दूसरे केसेस जैसे होते हैं वो भी उसी कोर्ट में चले जाते हैं, जैसे सारे केसों की एक ही जगह पे ये कॉमन है, दोनों में कॉमन। हाँ, हाँ। उसके बाद ये आता है कि दोनों में अलग अलग क्या है, एक तो अनरेगुलेटेड जो डिपॉजिट एक्ट है वो डिपॉजिट ही पूरा बैन कर देता है, और उसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल लॉ है, स्टेट के ऊपर है। तीसरा सबसे बड़ा है कि KPID में एक साल मिलता है अदालत को, जब आप स्पेशल केस फाइल करो तो एक साल मिलता है KPID एक्ट में आपको पूरा मुकदमा सुन के सुना के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर देने में। बर्ड्स एक्ट को 6 महीना कर दिया गया, एक तो टाइम फ्रेम का, टाइम फ्रेम एक मेजर अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम का। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे जिनको आपको पैसा देना है, जो बिजनेस डीलिंग आपने की है या गवर्नमेंट को टैक्स देना है, KPIDI में पहले गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, फिर जो बचेगा वो विक्टिम को जाएगा। बर्ड्स में पहले विक्टिम को जाएगा, अगर कुछ बचा तो गवर्नमेंट को जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट का गया। तो टैक्स का मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक एग्जांपल बोलो, GST अगर हुआ, GST ही नहीं, कोई भी GST, इनकम टैक्स भी, एनी टैक्स गवर्नमेंट, तो इनकम टैक्स भी ये जो है गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज, तो अगर ये 10 रुपया हमको मिलता है
और गवर्नमेंट का उसमें 4 रुपए है तो वो नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा विक्टिम को, पहले विक्टिम को जाएगा, बचेगा तो अगर बचेगा तो गवर्नमेंट को जाएगा, और गवर्नमेंट को नहीं दिया तो इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन विक्टिम से उससे मतलब नहीं है। एक टैक्स का बेनिफिट, टैक्स का एक हो गया, एक टाइम फ्रेम का हो गया। हाँ, तीसरा क्रेडिटर्स जी, जो जो लोगों ने, समझ लो मंसूर भाई ने 2,02,00,000 रुपए का सोना किसी से लिया है, ठीक है, अब उनको पैसा नहीं दिया है, इसके पहले अरेस्ट हो गए, तो जो जो सारे पैसे जो सरकार ने जब्त कर लिया वो पैसा बेच करके वो सोने वाले को पैसा नहीं जाएगा, पहले विक्टिम को जाएगा। तो मतलब ये इसको क्लियरिटी कर लूं कि अगर अगर कोई उधार में मंसूर भाई को 2 करोड़ का सोना दिया है, ठीक है, तो उसको पहले पैसा नहीं दिया जाएगा, पहले विक्टिम को जाएगा, बचेगा तो उसको दिया जाएगा, बचेगा तो उसको दिया जाएगा, जो उस जिसकी मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है जी। एक दूसरी बात है कि ये जो क्रेडिटर्स हैं, इसमें और एक है जो अभी आपने बताया था कि एक एंगल 7-1 का वर्ड्स में है जी, जी। दूसरे में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले उनको मिल जाता है तो उन लोगों को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है जिसपे बैंक ने लोन दिया है, समझ लीजिए एक प्रॉपर्टी जिसपे बैंक ने लोन दिया है, तो अगर वो प्रॉपर्टी सीज करके उसको बेच करके पब्लिक को पैसा दे दिया, तो जिस बैंक ने लोन दिया उसका क्या होगा? तो एग्जेम्प्टेड दिया गया है कि अगर बैंक लोन है अंडर सैफोरा सम एक्ट है उसका, वो एक्ट के अंदर अगर वो आता है तो पहले उनको पैसा मिलता है, जो बचता है वो मिलता है। तो वो तो केपीडीआई में भी है कि आप पहले, नहीं, वो तो केपीआईडी में तो किसी का भी है, केपीआईडी में विक्टिम्स को पैसा लास्ट में मिलता है, पहले बैंक वालों को जाता है प्रॉपर्टीज का, उसके बाद जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो जाता है, उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने 2,02,00,000 रुपया का सोना दिया था, नहीं वो तो 3 पॉइंट की बेनिफिट आ गई, हाँ, तो वो चला जाएगा। हाँ, लेकिन आप 4th पॉइंट जो बैंक का लोन का बोल रहे हैं, वो तो कॉमन सेंस है। जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपने बैंक को मॉर्टगेज किया है और आप उसपे थोड़ा, उसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं जोड़ा, नहीं जोड़ा जाएगा, तो वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, सेम नहीं, हाँ दोनों मालूम, हाँ दोनों में सेम सेम है, ये पॉइंट नंबर जो 4 हम डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों में सेम है। हाँ, इसमें और एक एडवांटेजेस बर्ड्स में है जी। एक तो आपको देखिए, सबसे पहले बता दो कि बर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ आईएमए में होता है, क्योंकि ये 21 फरवरी 2019 के बाद हुआ है, जो बाकी के पॉन्जी कंपनीज हैं उसमें नहीं हो सकता, पहले क्योंकि पहले उनके पहले थे, क्योंकि बर्ड्स आएगा नहीं, एक्ट जो अप्लाई हुआ है वो फेब में हुआ है, फेब में हुआ है, फेब 21 से है इनफोर्स है, तो बाकी के जो 8 कंपनीज हैं उसमें नहीं होगा, लेकिन उसमें केपीडीआई एक्ट हो जाएगा, केपीआईडी एक्ट होगा जी। ओके, और इसमें और क्या है कि जो चूंकि ये एक्ट ब्लॉक करता है किसी भी डिपॉजिट करने को, रोकता है जिससे पॉन्जी कंपनीज ना हो, तो इसमें छूट दी गई है। एक तो ये एडवांटेज है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, मतलब इंस्पेक्टर, किसी भी जगह जाके बोल सकता है, अगर कंप्लेन किया लोगों ने कि ये बंदा डिपॉजिट ले रहा है तो उसको रोक सकता है, उसकी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो सेंट्रल के गवर्नमेंट की डेटाबेस तैयार करेगी, जैसे हमारे फरीद भाई यहाँ पे लोगों को लूटे, फिर बम्बई में जाके एक ऑफिस खोली, अब बम्बई वाले नहीं जानते हैं कि ये ऐसे किए हैं, तो वो लोग, उन्होंने पैसा डालना शुरू किया, तो जब ये डेटाबेस सेंट्रल डेटाबेस बन जाएगा तो बम्बई वाले को भी अगर चाहिए तो गूगल करेंगे तो फरीद का नाम आएगा, नहीं 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 इन्होंने बंगलोर में ऐसा किया था, यहाँ ऐसा कर रहे हैं, तो ये डेटाबेस बन रहा है। और तीसरी बात है कि जो भी इन्फ्लुएंस करता है जो केपीआईडी में नहीं है, जैसे बहुत सारे मौलवी लोग इन्फ्लुएंस किए हैं, या पॉलिटिशियंस हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा है हमारा बंदा है, उनकी जो फोटो थी वो हमने पीआईएम में डाला है, तो उन लोगों को भी ऊपर सजा हो सकती है कि तुम गलत काम करवाने से आपको, लोगों को गलत काम करवा रहे हो, आपकी वजह से इन्होंने पैसा डाला और इनका पैसा डूब गया, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। तो मोर ऑर लेस आप अगर देखेंगे तो बर्ट हो चाहे केपीडीआई एक्ट हो, इसमें इन्वेस्टर को कुछ बहुत ज्यादा फाइनेंशियली फायदा नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें एक चीज मेरे को फायदा जो क्लियर कट नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है टाइम फ्रेम का, टाइम फ्रेम में थोड़ा नहीं, टाइम फ्रेम एक है, गवर्नमेंट के टैक्सेस और क्रेडिटर्स के टैक्सेस दो हैं, दो चीज, पैसा ज्यादा मिलेगा, कम समय लगेगा, टैक्स का पैसा बचेगा गवर्नमेंट का, और तीसरा एडवांटेज ये है कि वो केपीआईडी एक्ट में भी है, लेकिन दोनों में इतना फर्क है कि केपीआईडी एक्ट 2004-05 में आया था, 14-15 साल हो गए, बर्ड्स 6 महीने का पुराना एक्ट है, तो इसमें जो वहाँ की गलतियां वहाँ से जो उसको थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई किया गया, सो बर्ड्स एक्ट इज ए मोर क्लियरर एक्ट देन केपीआईडी एक्ट। तो अब ये है नरेंद्र भाई, और बर्ड्स में क्या हो रहा है, केपीआईडी में जो नहीं है क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था, जैसे हमारे भाई हैं या भाई हैं, अगर उनका इन्फ्लुएंस का वीडियो ऑडियो
हाई कोर्ट को मिल गया तो जो 1,000 करोड़ बचा है ना वो उनसे भी वसूला जा सकता है। समझ रहे हैं आप कि जिन्होंने प्रमोट किया कि जाओ वहां पे पैसा लगाओ, जाओ वहां से पैसा लगाओ, उनका प्रॉपर्टी भी जब्त करके इस किट्टी में डाला जा सकता है। तो अभी जो 410 करोड़ का बात हो रहा है, अगर ये प्रूव हो गया कि ने लिया है नहीं है, वो प्रूव नहीं होना चाहिए। अगर एक बॉलर कहीं वीडियो में बता रहे हैं या किसी वीडियो में बता रहे हैं कि हाँ भाई आप लोग पैसा डालिए, बहुत अच्छा कंपनी है, तो उनकी प्रॉपर्टी पर्सनल जो है उनके नाम पे और उनके फैमिलीज के, वो जब्त होके इनको आएगी एज पर द लॉ। जो मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी एज पर द लॉ, वो इस किट्टी में जा सकती है। वहां बहुत फायदा हो सकता है, वहां फायदा हो सकता है, वहां फायदा हो। तो अब नरेंद्र भाई ये है कि अभी तक तो जो साहब ने उसको बोला है कि इसके बारे में सोचेंगे, तो आप कोशिश करते रहिए। अगर बड एक्ट लग जाता है तो डेफिनेटली विक्टिम को फायदा होगा। और जाते जाते आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और टाइम दिए बताने के लिए। जाते जाते विक्टिम के लिए क्या मैसेज है? विक्टिम के लिए यही मैसेज है कि देखिए, अगर आप नए नए हैं जिन्होंने अभी पता लगा है कि मेरा पैसा डूब गया है अभी नहीं आएगा, तो घबराना नहीं, एक दो शर्माना नहीं। सबसे बड़ा बात है कि लोग बता नहीं रहे कि मेरा भी पैसा डूबा है। आपको ये नहीं बताना है कि मैंने घर बेच के 50 लाख लगाया है, आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने 50,000 रुपये लगाया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, फिर भी मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। और ये मैं विक्टिम को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं जी, आप लड़ रहे हैं बाकी सब लोगों के लिए। हमारे आधे से ज्यादा विक्टिम गांव में है। चित्रदुर्ग से फोन आता है, तेलंगाना से फोन आता है, अनंतपुर से फोन आता है, चेन्नई से आता है, तो कोयम्बतूर से आता है कि मेरा पैसा डूब गया है। और बहुत लोग चित्रदुर्ग किसी गांव से ताल्लुक से फोन करते हैं जी। तो उनके लिए वो लोग वहां से यहाँ तक बैंगलोर तक नहीं आ सकते, तो चाहते हैं तो हैदराबाद से लोग आते हैं, हुबली से आते हैं, दावणगिरी से आते हैं। आप तो बोले आइए, हमारे पास जो मेल्स आ रहे हैं वो लोग दुबई में है, सऊदी अरब में काफी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हैं। आपकी वो इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग कब हमको क्या करना है। हाँ, एक तो ये है, दूसरा ये है जी कि लंचा मुक्त कर्नाटक की तरफ से हम लोग का जो खर्चा होता है, हम लोग अपना कुछ पैसा नहीं मांगते, लेकिन जो लीगल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हम लोग दान मांगते हैं। दान बोला तो डोनेशन, आपकी मर्जी देना दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत पड़ती है। अब ऐसे मैंने 15 या 20 कॉपी प्रिंट करा के, पैरल बाइंडिंग करा के कोर्ट को या लॉयर को दिया, तो ये मैं अपने पॉकेट से नहीं दे सकता। हाँ, हाँ। ये जो विक्टिम है वो दे सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल एंड टाइमली, सबसे बड़ा ये है कि आप सब लोग सबसे पहले उम्मीद रखिए और जागे रहिए, सोइए मत, जागे रहिए। नहीं, जब उम्मीद आएगी तो लोग जाग जाएंगे जी। अगर आपको ये गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ कानून है, आपको पैसा मिलेगा, अगर आप लड़ेंगे तो आधा पैसा तो जाने से रहा, एवरेज की बात कर रहा हूँ, कहीं 1/3 आएगा, कहीं 80% आएगा, लेकिन 9 कंपनी का अगर एवरेज लो तो आधा पैसा आपको मिल सकता है, अगर आप लोग एकजुट होके एक छतरी के नीचे आकर के लड़े। और सोइए मत, शर्माइए मत, आइए लड़िए, और समाज के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए काम कर रहे हैं, ये सोच करके आइए। अपना पैसे के लिए आ रहा हूँ ये मत सोचिए, सबके पैसे के लिए आ रहा है ये सोचिए। लास्ट स्टेटमेंट, कहीं भी डिपॉजिट मत डालिए, ये बैन हो चुका है। अगर कोई डिपॉजिट मांगता है तो हमें बताइए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बताइए, या अपने क्लोजेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ इतला कीजिए कि एक आदमी या कोई कंपनी डिपॉजिट ले रही है। डिपॉजिट लेना जुर्म है, और देना और मांगना भी जुर्म है जी। तो मतलब अब ये लेसन ले लेना है कि इसके बाद फिर आप लोग कहीं मत फंसिए भाई। हाँ नहीं भाई, अब बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। कोई भी आदमी अगर आपको हर साल में 15-20% से ज़्यादा, 12% लिखते हैं, लेकिन कभी कभी 15 से भी ज्यादा बोलता है कि साल में हम आपको दुगना कर देंगे या 1.5 गुना कर देंगे, वो पॉन्जी है, या वो ऐसी कोई गतिविधि कर रहा है जिसमें आज नहीं तो कल। लीगल गतिविधि तो नहीं होगा 100%, नहीं लीगल भी होगा तो रिस्की होगा, इतना जैसे म्यूचुअल फंड टाइप का हो गया, शेयर मार्केट हो गया, लीगल है, लेकिन इसमें इतना रिस्क है कि पता नहीं क्या, पता नहीं चलता, तो मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका, वेलकम, थैंक यू।